Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and our today's class of science, chapter 1st, matter in our surrounding. In this chapter, we cover all important topics and the topics are matter, physical nature of matter, characteristics of particles of matter, states of matter and last one is interconversion of states of matter. Now we come on our first topic which is matter. तो अब जब हम अगर मैटर की बात कर रहे हैं तो है ना, एक बार अपने चारों तरफ देखो, हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, जो नाइट में स्टार्स, और यहाँ तक कि आपकी बुक्स, ये मार्कर, ये ब्लैक बोर्ड, और मतलब कि और भी कई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वाटर की एक ड्रॉप से लेके एक सॉइल का एक पार्टिकल तक सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर. ओके, हमारे इस यूनिवर्स में चाहे कोई भी चीज़ हो वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई होती है और उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मैटर. अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या माना कि जो ये मैटर है जिस मैटर से मतलब ये सारी चीज़ें बनी हुई है वो किन से, जो ये मैटर है वो किन से बना हुआ है, पाँच चीज़ों से. पाँच चीज़ें कौन कौन सी, एयर, अर्थ, स्काई, सन, वाटर एंड फायर. ये सारी पांच चीजें हो गई. तो इन सभी पांच चीजों को हमने क्या कहा है, पंच तत्व. ठीक है, अब यहाँ तक तो ये बात सही थी, यहाँ तक है ना, क्या जो भी इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा भाई मैटर है जिनसे सारी चीजें बनी हुई होती है और ये जो मैटर है ये इन पांच, ये जो पंच तत्व है इनसे मिलके बनता है. ठीक है, अब इसके बाद में भी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे ना इन्होंने भी यही चीज मानी कि जो मैटर है वो इन पंच तत्व से मिलता है. लेकिन जो अभी के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उनको तो ये बात मतलब कि मतलब है ना, क्या उनको ये नहीं था कि नहीं, जो मैटर होता है वो इन पंच तत्व से मिलके नहीं बना होता है, जो मैटर होता है वो तो पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. तो इसी चैप्टर में हम इसी मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंदर हम पर्टिकुलर मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं. नाउ कम ऑन, नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट इज मैटर. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि जो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे कि एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसका अपना अगर मास होता है और अगर वो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो क्या होगा, मैटर. ओके, नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब जब हमने मैटर के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा, तो अब जो इसका फिजिकल नेचर है वो कैसा होना चाहिए, कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है. तो इस मैटर के फिजिकल नेचर को जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी है ना एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, हमने एक बीकर लिया, ये वाला, ये बीकर लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या डाला, वाटर, पानी डाल दिया हमने. जो ये ब्लू कलर है वो क्या है, पानी. अब हमने इस पानी के अंदर क्या ऐड किया, थोड़ा सा साल्ट. जस्ट अगर मतलब कि 100 ml पानी होगा तो मतलब कि जैसे 1 टेबल स्पून हमने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, सॉल्ट. ओके, हमने ये सॉल्ट ऐड कर दिया. जो ये रेड कलर है वो क्या है, सॉल्ट. वैसे इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन जो सॉल्ट है वो रेड कलर का तो नहीं होता. तो अब जब हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लिया तो अब फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टिर करेंगे, मतलब कि जो चम्मच या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर के अंदर जो ये सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसके अंदर अच्छी तरीके से. अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जब हमने पानी के अंदर इस सॉल्ट को ऐड किया तो क्या इस पानी का लेवल जो है वो क्या अप हो गया. अगर है ना, क्या हाफ ग्लास अगर पानी है और हमने उसके अंदर अगर सॉल्ट को ऐड किया है तो क्या जो वो हाफ ग्लास पानी है वो क्या 3/4 या फिर फुल ग्लास ऑफ पानी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना. जो लेवल होगा पानी का वो उतना का उतना ही रहेगा. तो मतलब इससे हमें ये क्या समझ में आता है कि जो भी मैटर होता है उसके जो वो किससे बना हुआ था, पार्टिकल से. अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जो भी ये पार्टिकल्स थे ना, ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है वो किसके हैं, वाटर के. इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, स्पेस वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर जो ये साल्ट के पार्टिकल्स थे वो जाके क्या हो गए, फिक्स. जिससे हमें क्या लगा कि जो ये साल्ट के पार्टिकल थे वो वाटर के पार्टिकल के साथ में जाके मिक्स हो गए. ठीक है, इस एक्टिविटी से जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से. अब एक और बात मैटर के लिए कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. अब है ना, हमने ये सीखा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनता है और जो ये पार्टिकल हैं वो साइज में कैसे होते, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. अब साइज में छोटे कैसे होते हैं उसको भी समझने के लिए हमें क्या परफॉर्म करते हैं, एक
एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है। ये लो, ले लिया हमने बीकर। इसके अंदर क्या ऐड करना है, पानी। जैसे हमने पहले पानी ऐड किया था ना, बस वैसे ही। इसमें हमने कितना पानी लिया, 100 ml, ठीक है। ये टोटल कितना है, 100 ml हमारे पास पानी है। अब हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है, KMnO4, वो भी कितना है, 10 ml। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम ये क्या होता है, तो KMnO4 इसका मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कैसा होता है, जब हम इसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो जो पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने क्या लिया, 10 ml KMnO4 लिया पोटेशियम पर मैग्नेट, तो जो ये हमारा पहले वाला पानी था, ऐड करने के बाद कैसा हो गया, ऐसा मतलब पिंक कलर का हो जाएगा। अब वैसे मेरे पास तो रेड मार्कर था इसलिए आपको ये रेड दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे कलर का हो गया, तब अब हमें इसके बाद में क्या करना है, ये वाला सॉल्यूशन, ये लिया हमने कितना लिया, 10 ml। अब हमें इस 10 ml, इस वाले को 10 ml को किस में ऐड करना है, 90 ml पानी में। मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, पहले हमने 100 ml पानी लिया, उसके अंदर 10 ml KMnO4 ऐड किया, ठीक है। तो जो पानी है वो हमारा कैसा, डार्क पिंक कलर का हो गया। अब हमें ये वाला सॉल्यूशन 10 ml लेना है और इसको 90 ml वाटर के अंदर ऐड करना है। तो जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा जो कलर है इस सॉल्यूशन का वो कैसा आएगा, इससे लाइट, ओके। जस्ट यही एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है। इसका 10 ml हमें लेना है और उसको 90 ml पानी के अंदर ऐड करना है, तो फिर जो कलर है वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। और फिर जब हम ये वाला सॉल्यूशन और 90 ml पानी में ऐड करेंगे, तब हमारा जो कलर है वो और भी ज़्यादा, मतलब जो इन सब का जो कलर था, उन सब से जो ये वाला कलर होगा वो लाइट होगा। तो अब हमें ये क्या समझ में आया कि जब हम क्या करते हैं, मतलब चाहे इसकी जो अमाउंट है वो चाहे कितनी कम क्यों ना हो, मतलब कि जो इसकी अमाउंट है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन फिर भी जो ये पानी का कलर है वो चेंज हो रहा है, वो वैसा तो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं हुआ कि लास्ट में जब हमने KMnO4 बहुत ही कम अमाउंट में जब इसको ऐड किया, तब जो पानी का कलर है वो वैसा ही रहा, नहीं वैसा नहीं रहा, चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो इसका कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि मतलब कि जो इनकी साइज होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और ये इतने छोटे होते हैं कि जो उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब जो हमारी इमेजिनेशन है उसके भी परे है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी समझ में आई। अगर आपको ये KMnO4 में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि मैम ने ये क्या बता दिया, हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। डिटॉल तो सबको पता है, मतलब अगर हमें कोई भी अगर चोट लग जाती है तो हम उसको एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। तो अब है ना, क्या जैसे आप डिटॉल लो, ओके, और उस अब इस KMnO4 की जगह पे उस डिटॉल को ऐड करो, तो अब आपको कलर तो नहीं दिखेगा लेकिन स्मेल तो आएगी ना। चाहे आप कितनी, मतलब एक ड्रॉप, सिर्फ वन ड्रॉप ऑफ अगर आप डिटॉल यूज़ करोगे, फिर भी उसकी मतलब चाहे हल्की स्मेल क्यों ना हो, आपको आएगी ज़रूर। तो उससे क्या हुआ कि जो डिटॉल के जो पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे कि चाहे हमने उसकी एक ड्रॉप भी क्यों ना ली हो, उसकी स्मेल हमें फील हो रही है, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब अगर हम पार्टिकल्स के कैरेक्टर की बात करें कि इनके ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो सबसे फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस। अब ये तो हमने पहले भी सीखा था, दो एक्टिविटी की थी ना पहले, फर्स्ट वाली जब हमने साल्ट ऐड किया था एंड सेकंड वाली जब हमने पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड किया था, उसमें हमें ये समझ में आया था ना कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस था, तभी तो वो साल्ट उस वाटर के अंदर मिक्स हो गया, ओके। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैडम कहाँ मूव करते हैं, मतलब अगर कोई भी अगर मैटर है वो अगर एक जगह है तो वो वहीं का वहीं रहता है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के अंदर मैटर किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो जो पार्टिकल्स है ना वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। तो जब ये अब है ना ये मूव कैसे करते हैं, तो ठीक है, मैं आपको है ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अब है ना आप एक इंसेंस स्टिक लो। अब ये इंसेंस स्टिक क्या होता है, अगरबत्ती, वो तो पता है ना। तो एक अगरबत्ती लो, अब है ना उसको पहले जलाओ मत, पहले उसको है ना ऐसे ही रखो। अब है ना, अब आप मेरे को बताओ क्या उसकी स्मेल आपको आ रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। अब आप उसको क्या करो, जलाओ, ठीक है, जला के उसको एक साइड में कोने में रख दो। अब है ना आप उसको ऑब्जर्व करो क्या अब उसकी स्मेल आपको आ रही है।
अब है ना उसकी स्मेल आ रही है। अब यहाँ पे आप अब देखो कि जब आप उसे दूर दूर जाओगे तो क्या उसकी स्मेल कम होती जाएगी, होती जाएगी ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब जो वो अगरबत्ती थी, जो इंसेंस स्टिक थी, वो जब क्या थी, जली हुई नहीं थी, तब उसके पार्टिकल्स कैसे थे, मतलब कि जो उसके जो मूव होने की जो रेट है वो कम थी, तो हमें उसकी क्या स्मेल थोड़ी सी, मतलब कि जब हम उसको एकदम मतलब कि नज़दीक से जब स्मेल कर रहे थे तब हमें उसकी स्मेल फील हो रही थी, लेकिन जब हमने उसको जलाया तो जो उसके मूव होने की जो रेट है वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल, चाहे हम उसके कितनी भी दूर चले जाएँ हमें उसकी स्मेल फील हो रही थी। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एक्टिविटी करते हैं। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर ले लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, पानी। अब इसे पानी ऐड करना है, ओके। एक और बीकर लो, उसके अंदर भी क्या ऐड करो, पानी ऐड करो, ठीक है। अभी इन दोनों में क्या है, पानी ही है। अब हमें क्या लेना है, एक में तो इंक लेनी है और एक में क्या लेना है, हनी। हनी दैट मीन्स शहद, ओके। अब हमने इंक लिया और हनी ली, एक बीकर के पानी में हमें क्या ऐड करना है, इंक, और एक बीकर के पानी में हमें क्या ऐड करना है, हनी। ठीक है, अब ऐड कर दिया हमने, अब उसको छोड़ दो, उसको हिलाना नहीं है, सिर्फ उसके अंदर है ना उस इंक एंड हनी को ऐड किया और उसको बस वहीं पड़ा रहने दो। अब आप उसको ऑब्जर्व करो कि जो ये इंक है, क्या जब आपने उसको नहीं मिक्स किया, क्या फिर भी वो उसके अंदर मिक्स हो गई, और क्या अगर जो ये हनी थी, जब आपने उसको उसके अंदर मिक्स नहीं किया पानी के अंदर, क्या जो हनी है वो भी मिक्स हो गया, तो जो इंक है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जब आप उसके अंदर मतलब इंक की एक ड्रॉप ऐड करोगे पानी के अंदर, तो वो क्या होगी, पूरी उस पानी के अंदर फैल जाएगी, और हनी भी क्या है, लेकिन जो हनी है वो क्या होगा, थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा टाइम लेगा उसके अंदर मिक्स होने में, लेकिन मिक्स हो तो जाएगा ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ये पार्टिकल्स हैं, इंक के पार्टिकल्स, वो मूव हो रहे थे तभी तो वो मिक्स हुए, हमें बिना उसे मिक्स किए हुए, और हनी भी, इसके पार्टिकल्स भी क्या थे, मूव हो रहे थे तभी वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो गए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पजेस सेम काइनेटिक, सम काइनेटिक एनर्जी। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके पास में क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। When temperature rises, particles move faster. अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो जो ये पार्टिकल्स के जो मूव होने की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने यहाँ पे है ना ये इंटरमिक्सिंग देखी थी, अब मैं ना इस इंटरमिक्सिंग के लिए आपको एक टर्म बताती हूँ, डिफ्यूजन। ओके, अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, दी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज के पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग को, इंटरमिक्सिंग वो भी कैसे, ऑन देयर ओवन, उनके खुद मतलब खुद से ही इंटरमिक्सिंग होने को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इट गेट्स फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, और ये डिफ्यूजन की जो रेट है वो अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो वो भी बढ़ती है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो उसको भी हम समझते हैं। इन सब में हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, तो इसमें भी करेंगे। अब है ना क्या, आप है ना क्या, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, ये मेरे पास है ना ये दो मार्कर है, ओके। अब मैं ना एक तो है ना इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, एक मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, और इसको है ना एक ऐसे पूरा टाइटली ज्वाइन करके इसको क्या कर दूँ, गम से चिपका दूँ, ठीक है। अब मैं ना अगर किसी को बोलूं कि इसको मेरे को ना ब्रेक करके दिखाओ, तो अब आप ऑब्जर्व करो कि जो ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, और जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, और जब मैंने इसको गम से चिपका दिया, तो है ना जल्दी कौन सा टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा ना, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स, जो अट्रैक्शन का फोर्स था, या फिर जो भी इनको ज्वाइन करने की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, बहुत ही वीकर थी, तभी तो ये ना मतलब थोड़ा सा हल्का सा फोर्स देते ये टूट गई, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब हम इसको एक दूसरे के साथ चिपका देंगे तब तो और भी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा इनको अलग करने में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ये मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप है ना एक तो लो आयरन, आयरन का कोई भी टुकड़ा लो, ठीक है, जैसे आयरन की रोड ले लो, आयरन की रोड ली, एक आप लो रबर बैंड, ठीक है, और एक आप क्या लो चौक। आपने ये तीन चीजें ली, एक आयरन की रोड ली, एक रबर बैंड लिया, और एक चौक ली। अब इन तीनों को ही आप क्या करोगे, एक तो हैमर हथौड़े से इसको मारोगे, मतलब कि ना इसको बीट करोगे, एंड क्या करोगे कैंची से काटोगे, और क्या करोगे मतलब कि इसको
मतलब इलास्टिक की तरह खींचोगे, ठीक है। ये तीन चीजें आपको करनी है। अब आप ऑब्जर्व करो कि सबसे पहला हमने सबसे पहले क्या लिया था, आयरन की रोड ली थी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या ये आयरन की रोड जब हम इसको एज ए इलास्टिक खींचेंगे तो क्या वो है ना, क्या वो खींच पाएगा? नहीं खींचेगा ना, वो तो जैसा जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे हम उस आयरन की रोड को चाहे कितना ही खींच ले, वो नहीं खींचने वाली है, ठीक है। अब इसको आप हथौड़े से मारो, तो जब हम इसको है ना बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के जब हम इसको हथौड़े से मारेंगे तब उसकी शेप में थोड़ा सा चेंजेस आएगा ना। और अगर हम इसको कैंची से काटेंगे तो कैंची से तो ये आयरन कटने वाला ही नहीं है, ये तो बेवकूफों वाली बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चौक। अब इस चौक का हमें क्या करना है, चौक को भी इलास्टिक की तरह खींचो, ये नहीं खींचेगी। इसको हैमर से मारो तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, पार्टिकल्स में टूट जाएगी ना। और जब हम इसको कैंची से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगी, ओके। लास्ट वन हमने क्या लिया था, रबर बैंड। अब आप रबर बैंड को लो, रबर बैंड को आप है ना क्या स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच हो जाएगा ना। और अगर आप इसको कैंची से काटो तो वो कैंची से भी कट जाएगा। और अगर आप है ना उसको है ना हैमर से ब्रेक करो तो क्या वो हैमर से ब्रेक होगा, वो हैमर से मतलब ब्रेक नहीं होगा लेकिन उसकी जो शेप है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो ये तीनों क्या है, मैटर है, लेकिन जो इनके पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटी करने पे अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ये ना क्या, जैसे जो भी इनके पार्टिकल्स हैं, जैसे आयरन के पार्टिकल थे वो क्या थे, मतलब कि बहुत ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, चौक के पार्टिकल थोड़ा सा उससे कम, मतलब आयरन के पार्टिकल से कम और रबर के उनसे भी कम, ठीक है। तो अब यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है, तभी तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और जो ये पार्टिकल्स एक्ट करता है इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, वही फोर्स क्या करता है, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना, उनके पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेट्स के बारे में। देन दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप कहोगे कि मैम थ्री का दो और होती है, प्लाज्मा और बीईसी भी होती है ना, तो थोड़ा सब्र रखो, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों के बारे में तो पढ़ लें। तो सबसे पहला क्या है, सॉलिड। सॉलिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आइस। लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पानी। एंड गैस, गैस जब हम क्या, जो वाटर है वो किसके अंदर है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गैस, ओके। अब जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मतलब कि ये डिफरेंट, मतलब हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया, तो जो इनका पार्टिकल्स का जो भी नेचर है, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, इन मैटर्स को क्लासिफाई किया, मतलब इनके स्टेट्स को बताया कि दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेट के बारे में, द सॉलिड स्टेट, ओके। अब है ना सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले है ना आप ऑब्जर्व करो, वैसे हमारा यही काम है, ऑब्जर्व ही करना है बस साइंस में, ठीक है। अब आप क्या लो, एक बुक लो, एक पेन लो, और मतलब जो भी आपको मतलब सॉलिड दिख रहा है वो सारी चीजें ले लो। ले ली, अब आप है ना उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और मेरे सवालों का जवाब सोचो। अब मेरे को आप बताओ कि वो जो सारी चीजें थी, जो भी थिंग्स थी, क्या उनका जो शेप है वो डेफिनेट है, क्या उन जो भी वो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनकी बाउंड्रीज हैं, क्या वो किसी भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, क्या वो डिफ्यूजन, क्या उनके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है, और क्या अगर उनके ऊपर फोर्स लगाने पे क्या वो कंप्रेस हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने इतने सारे सवाल पूछे, हमें तो इनमें से किसी का जवाब नहीं पता, एक दो क्वेश्चन का जवाब पता होगा लेकिन सारे का नहीं पता, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आओ फिर उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कैसे होते हैं, एक तो रिजिड होते हैं, रिजिड दैट मींस बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल। और कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तब वो जो अपना वॉल्यूम है कितना रिड्यूस कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल का मीन्स दैट मींस जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ओके। तो जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, और कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। अब जो ये सॉलिड्स हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन वो होते क्यों हैं, क्योंकि इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स। इसका रीजन क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से जो सॉलिड्स है वो कैसे होते हैं, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जब हमने रबर बैंड लिया था उसको स्ट्रेच किया था तो वो स्ट्रेच हो गया था, तो तब वो क्या है, क्या वो रिजिड नहीं है, तो क्या वो सॉलिड नहीं है। और अगर हम किसी भी स्पॉन्ज को लेते हैं और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपना वॉल्यूम रिड्यूस कर लेता है, तो फिर क्या वो सॉलिड नहीं है, तो फिर मतलब कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कहाँ हुई, क्योंकि वो अब उनमें क्या होता है कि जो रबर बैंड था वो स्ट्रेच कब हुआ, जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जब हम उसको जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है, जब हम उस फोर्स को हटा देंगे तो वो क्या होगा, वो रबर बैंड वापस अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। और जब हम उसके ऊपर एक्सेस में फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो रबर बैंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रीजन उसका। एंड जो स्पॉन्ज का रीजन था कि जब हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो वो कंप्रेस हो गया। अब वो कंप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर जो स्पॉन्ज होता है उनके अंदर एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एयर होती है, तो जब हमने उसको कंप्रेस किया तो जो भी उन होल्स के अंदर एयर प्रेजेंट थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सॉलिड स्टेट के लिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, जो शेप होता है वो क्या होता है, डेफिनेट, एंड जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट। बिकॉज इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से जो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या रहता है, डेफिनेट, एंड जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या रहता है, डेफिनेट। अब आप कहोगे कि जो माना क्या, जो चीनी है मतलब शुगर है एंड जो साल्ट है, ठीक है, अब हम उसको क्या लेते हैं, अलग अलग, जैसे अलग अलग अटेंशंस में लेते हैं, अलग अलग चीजों में लेंगे, जैसे ग्लास में लिया, एक मतलब थाली में लिया, एक कटोरी में लिया। तो जब हमने सब जो शुगर एंड साल्ट को इन तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर लिया तो जो क्या थी, उनकी जो शेप थी वो उनके जैसी हो गई ना। जब हमने उसको ग्लास में लिया शुगर को तो ग्लास जैसी हो गई, जब एक कटोरी में लिया तो वो उसके जैसी हो गई, और जब हम उसको किसी और ऑब्जेक्ट में लेंगे तो वो उसके जैसी हो जाएगी। तब उनका शेप डेफिनेट कैसे हुआ, तो इसका जो सेकेंड, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होता है, जो शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट। ओके, because in solids the constituent particles are held together by a strong attraction force। क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से जो सॉलिड का जो शेप और जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, डेफिनेट। ओके, अब है ना एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि जब हमने ना शुगर ली, ठीक है, उसी शुगर को हमने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लिया, ठीक है, सबसे पहले हमने किस में लिया, एक ग्लास में लिया शुगर को, और उसी शुगर को फिर हमने एक कटोरी में लिया, और उसी शुगर को फिर हमने एक थाली में लिया, ठीक है, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। अब जब हमने उस शुगर को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लिया तब उस शुगर की जो शेप थी, जब हमने उसको ग्लास में डाला तब हमें वो ग्लास जैसी लगी, जब हमने उसको कटोरी में डाला तो उसके जैसी, और जब हमने उसको थाली में डाला तो उसके जैसी, तब उसका शेप डेफिनेट कैसे हो गया, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। तो जो उसका शेप था वो डेफिनेट ऐसे हुआ क्योंकि जो भी शुगर था, जो उसका एक पार्टिकल मतलब जो एक शुगर का जो एक कण मतलब जो भी एक पार्टिकल होता है उसका शेप क्या है, चाहे इन तीनों में से चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने शुगर को ले रखा हो, जो उस एक शुगर का जो शेप है वो क्या है, डेफिनेट। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। थर्ड, सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी। जो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, सबसे ज्यादा। ओके, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि मैम ये डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट होती है जो मास की वो कितनी कवर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। ओके, तो जो भी इन तीनों स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड स्टेट की। फोर्थ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। अब ये लास्ट, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये तो हमने न जाने कितनी बार इसको डिस्कस कर लिया कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। लास्ट, डिफ्यूजन इज एक्सट्रीमली स्लो।
जो इन सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्लो होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले समझाया था, कब, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक, उसमें मैंने आपको ये टर्म समझाई थी कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो क्या रहती है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्लो। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड स्टेट था वो हमारा क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो ये लिक्विड स्टेट एंड जो ये गैस स्टेट है उसको हम अपने अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के पार्ट में हमने आज क्या सीखा, आज के पार्ट में हमने मैटर के बारे में सीखा, उसके पार्टिकल्स के बारे में सीखा, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक, एंड लास्ट हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट के बारे में सीखा। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।